प्रिय विद्यार्थियों, मैं उपेंद्र अनमोल आज की कक्षा में इंडिगो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इंडिगो इकोनॉमिक्स की शुरुआत 2016 से मानी जाती है और बहुत बड़े अर्थशास्त्री और उद्योगपति मिखाइल फ्रेडमैन के द्वारा यह शब्द दिया गया है और यह शब्द इस समय बहुत चर्चा में है और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और पीटी और मेंस और इंटरव्यू के लिए इंडिगो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, जो कंसेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या है इंडिगो इकोनॉमिक्स? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात करता है, अर्थात अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, उसे इंडिगो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थात जो इंडिगो इकोनॉमिक्स है उसमें रॉ मटेरियल के रूप में सिर्फ ज्ञान होता है, इंफॉर्मेशन होता है, आइडियाज़ होते हैं और विभिन्न प्रकार के थॉट्स, थिंकिंग और आइडिया इसका पूरा आधार होता है। आप सभी लोग जान, इसीलिए कहा जाता है कि इंडिगो इकोनॉमिक्स नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्स, जबकि आप जानते हैं अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र नेचुरल रिसोर्स बेस्ड होते हैं, प्राकृतिक संसाधन आधारित होते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र अगर आप देखें, जिसे आप कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, यह पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधन आधारित है, नेचुरल रिसोर्स बेस्ड है। इसमें किसी को भी किसी प्रकार की शक, किसी प्रकार का शक नहीं है, क्योंकि कृषि के अंदर फसल उत्पादन आता है, वानिकी आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य आता है, खनन आता है, शिकार आता है और इन सभी में पूर्णतः प्राकृतिक संसाधन का, नेचुरल रिसोर्स का उपयोग, नेचुरल रिसोर्स का ही यह पूर्णतः उपयोग है। और आप सभी लोग जानते हैं इसमें काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जिसे आप सेकेंडरी सेक्टर, जिसे आप द्वितीयक क्षेत्र या इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, तो यह भी नेचुरल रिसोर्स बेस्ड होता है, यह भी प्राकृतिक संसाधन आधारित होता है, क्योंकि इसमें भी प्राकृतिक संसाधनों का ही सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड स्वरूप में बदलाव करके और लार्ज स्केल पर उत्पादन किया जाता है। जैसे कपास से ही कॉटन फैब्रिक बना दिया जाता है, जैसे गन्ने से सुगर बना दिया जाता है, मिट्टी से ईंट बना दिया जाता है और लौह अयस्क के खनिज से स्टील या लोहा बना दिया जाता है। इस तरीके से ये द्वितीयक क्षेत्र हो जाता है, अर्थात द्वितीयक क्षेत्र भी नेचुरल रिसोर्स बेस्ड है, केवल इनमें वैल्यू एडिशन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इनटू अदर फॉर्म्स होता है। इट मींस ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट आइदर इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म आर इन फिनिश्ड फॉर्म। तो इससे यह द्वितीयक और द्वितीयक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र भी प्राकृतिक संसाधन आधारित ही होता है। अगर गंभीरता से आप देखें तो तृतीयक क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है? तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के लिए, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए जो है कार्य में या उपयोग में लाया जाता है, इसी को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती हैं विभिन्न प्रकार की, और सेवाएं या तो प्राथमिक क्षेत्र को दी जाती हैं या तो द्वितीयक क्षेत्र को दी जाती हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि की जाती है तो कृषि और बेहतर हो इसके लिए कई प्रकार की सेवाएँ हैं, जैसे सलाह की सेवाएँ हैं, जैसे बैंकिंग की सेवाएँ हैं, जैसे इंश्योरेंस की सेवाएँ हैं, और उद्योगों में तमाम प्रकार के उत्पादन होते हैं उसमें भी फिनांस की ज़रूरत होती है, उसमें भी इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, उसमें भी रक्षा और सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो ये तृतीयक क्षेत्र, अर्थात तृतीयक क्षेत्र भी एक तरीके से देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्स बेस्ड है।
अर्थात और तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को क्लियर हो गया कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र नेचुरल रिसोर्स बेस्ड हैं, प्राकृतिक संसाधन आधारित हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो इंडिगो इकोनॉमिक्स है, इंडिगो इकोनॉमिक्स में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं होता, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का इसमें कोई भी आधार नहीं पाया जाता। इसीलिए कहा जाता है वह अर्थव्यवस्था या वह आर्थिक गतिविधि जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं होता है उसे इंडिगो इकोनॉमिक्स कहा जाता। मिखाइल फ्रेडमैन ने ये नाम दिया है और यहीं से एक नए दौर की इकोनॉमिक की शुरुआत होती है। और इंडिगो इकोनॉमिक्स में दो सेक्टर आता है, एक क्वार्टरनरी चतुर्थक क्षेत्र जिसमें काम करने वाले लोगों को गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है, और क्वानरी सेक्टर या पंचम क्षेत्र जिसमें काम करने वाले लोगों को क्लाउड कॉलर वर्कर कहा जाता है। तो क्या है क्वार्टरनरी सेक्टर और क्या है क्वानरी सेक्टर? क्वार्टरनरी सेक्टर जो है नॉलेज बेस्ड सेक्टर है, इसमें स्पेशलाइज्ड टर्सरी एक्टिविटीज़ जो नॉलेज बेस्ड होती है उसे प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात जैसे सॉफ्टवेयर बनाना या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, सॉफ्टवेयर का विकास करना, जैसे प्रबंधन और वर्क कल्चर को उत्पन्न करना, जैसे R&D अनुसंधान और विकास की गतिविधियाँ, जैसे रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन नवाचार और आधुनिकीकरण की गतिविधियाँ, जैसे हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, जैसे आउटसोर्सिंग जैसे लैब आधारित ज्ञान, और आउटसोर्सिंग में भी BPO, KPO, LPO, MPO, RPO इस तरीके से अधिकतर जो गतिविधियाँ आती हैं। अर्थात ये सभी गतिविधियाँ जो है प्राकृतिक संसाधनों से मुक्त हैं, ये पूरी तरीके से नॉलेज सेक्टर है, अर्थात ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का क्षेत्र चतुर्थक क्षेत्र कहलाता है, और इसमें किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं होता। जैसे सॉफ्टवेयर बनाने में, तो सॉफ्टवेयर ये तो एक डिज़ाइनिंग है, इसमें कोई भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं होता। प्रबंधन तो मानव के मस्तिष्क की कला है और उसकी दक्षता और कुशलता है। अनुसंधान और विकास ये मानव की बौद्धिक संपदा और विशेष सृजनात्मक क्षमता है। और जो उच्च शिक्षा या सलाहकारी भूमिका है यह भी मानव की उच्च चेतना है। और आउटसोर्सिंग यह भी मानव की तकनीकी क्षमता है, और यह सभी मिलकर के चतुर्थक क्षेत्र का विकास करते हैं। और चतुर्थक क्षेत्र पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों से मुक्त है, और इसमें काम करने वाले लोगों को गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है। अब आ जाते हैं जो सबसे नया सेक्टर है, क्वानरी सेक्टर या पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र क्या है? डीप नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का सेक्टर है, अर्थात गहरे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्वानरी सेक्टर या पंचम क्षेत्र कहलाता है। और आप जानते हैं यही गहरा ज्ञान आधारित जो आर्थिक गतिविधियां हैं वर्तमान में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की केंद्र होती जा रही हैं। जैसे आपने देखा गूगल कंपनी, जैसे आपने देखा एप्पल कंपनी, ये इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि अनेक देश की अर्थव्यवस्था की GDP इससे छोटी हो चुकी है। और ये जो क्वानरी सेक्टर है ये डीप नॉलेज में क्या क्या आता है, जैसे न्यू आइडियाज़, न्यू थिंकिंग, जैसे नए प्रकार की जो है डिज़ाइनिंग या नए प्रकार की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या पॉलिसी मेकिंग, या विभिन्न प्रकार के जो CEOs हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ये इनकी गतिविधियाँ इसके अंतर्गत आती है। इसमें मूलतः ये लीड करता है न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस और न्यू मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स। जैसे ओला की गतिविधि अगर आप देखें तो ओला की गतिविधि क्या है, गहरा ज्ञान आधारित है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर बना करके
और सब सब लोगों को, सारे जो है ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को आपस में जोड़ देना है और उससे आम आदमी को लाभान्वित। ये क्या एक न्यू आइडियाज़ हो गया, जैसे ओलेक्स है, स्नैपडील है, या ऐसे तमाम साइटों का विकास हुआ जिसमें जाकर के एक खुला प्लेटफॉर्म मिला, आप अपनी चीज़ को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, सीधे डीलिंग कर सकते हैं। तो यह पंचक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अनेक प्रकार के इसी तरीके के न्यू आइडियाज़, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयरों का विकास है जो पूरी तरीके से ज्ञान आधारित संरचना को मजबूत बनाते हैं और इसी ज्ञान आधारित संरचना के आधार पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंडिगो इकोनॉमिक्स को बहुत ध्यान में रख करके, बहुत समझ करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे और बहुत ब्रीफ में समझ लें कि इंडिगो इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को कहा जाता है और इसमें दो प्रकार के क्षेत्र आते हैं, एक चतुर्थक क्षेत्र, दूसरे पंचक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र ज्ञान आधारित है जिसमें ज्ञान का जो वर्तमान उपयोग है, और जो क्वानरी या पंचक सेक्टर है वो डीप नॉलेज बेस्ड है, जो ज्ञान के अगले चरण का स्तर, इसलिए तो इसको क्लाउड कॉलर वर्कर कहा जाता है, इनमें काम करने वाले लोगों का जिनके पास विशेष आइडियाज़ है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह बौद्धिक संपदा का दौर है और बौद्धिक संपदा क्या होती हैं, सृजनात्मक अभिव्यक्तियाँ होती हैं, सृजनात्मक क्षमताएँ होती हैं, और व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर सृजनात्मक क्षमताओं और गतिविधियों का विकास हो गया है वह इस दौर में सबसे आगे चला जाता है और पूरी दुनिया को लीड करने लगता है और पूरी दुनिया को दिशा देने लगता है। तो इंडिगो इकोनॉमिक्स यही काम कर रहा है।